चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की प्रसाद आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो मेरे प्यारे भाई उनकी बहनों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज का वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ट्रिक करने के लिए आपको इसकी टपरी के पीछे आ जाना, जहाँ से हम क्राफ्ट टूल बाय करते हैं। और यहाँ पे आपको ऐसे कुछ क्राफ्ट टूल लगाना है, सर्फ बोर्ड को ऑन कर देना, तो आप यहाँ पे अंदर घुस जाओगे। और अगर आपके साथ में आपके फ्रेंड्स है तो उनको शॉक कर सकते हो आप, और एक वो भी भाई शॉक हो जाएगा कि भाई तू अंदर कैसे घुसा, और फिर उसको भी बता सकते हो। तो गाइस अगली ट्रिक करने के लिए आपको यहाँ पे कॉम्बैट जोन में आ जाना है, और यहाँ पे आपको कौन सी भी 2 गन बाय कर लेनी है, उनके अटैचमेंट सारे बाय कर लेने हैं, और अपना नेट बंद करना है, और दोनों गन को आपको मतलब एक्सचेंज कर लेना है, फिर बाहर फेंक देना है। तो फिर आप जैसे यहाँ पे बाहर फेंकोगे, आपके पास गन तो रहेगी लेकिन आपके बैकपैक में गन शो नहीं होगी। और फिर आपको क्या करना है, अपने नेट को यहाँ पे ऑन कर लेना है और वेट करना है नॉर्मल पिंग होने का। और जैसे आपका नॉर्मल पिंग होगा आपको यहाँ पे मैजिक देखने को मिलेगा। तो चलिए थोड़ी देर रुक जाते हैं, नॉर्मल पिंग होने का वेट करते हैं। तो गाइस अभी देखते हैं नॉर्मल पिंग कितनी देर होगा। तो ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल पिंग हो चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे बैकपैक में गन शो नहीं कर रही है, लेकिन मेरे हाथ में गन है और मैं मार भी सकता हूँ एडम कलुआ एडम को यहाँ पे। ये तो कलुआ नहीं है, इसको मैं एडम को मार भी सकता हूँ। और जैसे आप कॉम्बैट जोन में जाओगे तो वहाँ पे भी सेम ही सीन होगा, आप वहाँ पर भी आपको गन्स आपके बैकपैक में नहीं दिखेगी लेकिन आपके हाथ में तो रहेगी। देखिए गाइस आप देख सकते हो मेरे बैकपैक में गन नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में मतलब मेरे कैरेक्टर के हाथ में गन है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही बाहर निकलूँगा आपको एक और मैजिक देखने को मिलेगा, अपने आप ही आपकी गन बैकपैक में वापस आ जाएगी। तो है ना मज़ेदार ट्रिक। और चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की ओर। गाइज ये ट्रिक आप कहीं पे भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे किया, आप कहीं पर भी कर सकते हो इस ट्रिक को। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको अपने सर्फ बोर्ड अब गन को अपने हाथ में ले लेनी है, और सर्फ बोर्ड को ऑन करना है, और फिर जंप के बटन को क्लिक करना, हवा में ही सर्फ बोर्ड को डिसेबल कर देना, और स्कोप आउट करोगे तो अभी आपको मैजिक देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो इसके पैरों में, हमारे कैरेक्टर के जो पैरों में लाइट जल रही है उसको आप देख ही सकते हो। जैसे मैं स्कोप आउट करूँगा हमारे कैरेक्टर के पैरों में लाइट जलेगी। तो ये ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है, आप देख ही सकते हो अपने स्क्रीन के सामने। तो ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो के एंड में बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है जो मैंने थंबनेल में लगा रखी है, वो ट्रिक वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की ओर। तो गाइस ये ट्रिक करने के लिए आपको गाड़ी को कुछ इस तरीके से सेटअप करना है, जो ये लाइन दिख रही है रोड की, इसके दोनों टायर यहाँ पे रहने चाहिए, और इस गाड़ी के आपको यहाँ पे ऊपर चढ़ जाना है, और उधर की साइड ऐसे मुक्का मारना है, तो आपका कैरेक्टर उधर की साइड मुँह कर लेगा। और फिर आपको सर्फ बोर्ड को ऑन करना है, और यहाँ पर जो स्प्रिंट का बटन आएगा उसको क्लिक करना है, और जंप कर देना है 2-3 बार, तो आप यहाँ पर इस दीवार के इस साइड आ जाओगे। और फिर आप यहाँ पे देख ही सकते हो, अपने फ्रेंड को शॉक कर सकते हो, देख सकते हो आप यहाँ पे आ चुके दीवार के आर पार, और एनिमीज़ को भी शॉक कर सकते हो। तो कहीं यहाँ पे आपको एक और ट्रिक देखने मिलेगी, आपको जो यहाँ पे ये पेड़ दिख रहा है उसके ऊपर आप ऐसे स्कोप करके आप यहाँ पर भी ऊपर भी चढ़ सकते हो, और आप यहाँ से पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड का नज़ारा भी देख सकते हो। देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पे नारियल के पेड़ के ऊपर यहाँ पे चढ़ चुका हूँ, आप देख ही सकते हो यहाँ पर मैं इसके ऊपर चढ़ चुका हूँ, तो आप भी ऐसे चढ़ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की ओर। सो गाइस आज की मेन ट्रिक करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे सर्फ बोर्ड जो होता है उसका और एंटर का बटन होता है, यानी सीट का बटन, एंटर का बटन और सर्फ बोर्ड का बटन, दोनों को आपको एक साथ प्रेस करना है। चलिए मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे एक साथ प्रेस करोगे जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे, और यहाँ जैसे यहाँ पे नीचे आओगे फिर आपको थोड़ा आगे जाना है, और आपको चेक करना है कि आपकी ट्रिक वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, तो उसको चेक करने के लिए आपको थोड़ा आगे जाना है। यहाँ पे जो कुर्सियाँ पड़ जाती है उस टपरी के पास में, जहाँ से हम क्राफ्ट टूल बाय करते हैं, उन पर आपको बैठ कर देखना है। अगर वहाँ पर नहीं बैठा जा रहा है आपका कैरेक्टर, अगर वहाँ पर नहीं बैठ रहा है क्लिक करने के बाद, तो आपकी ट्रिक वर्क कर रही है। अगर बैठ जा रहा है आपकी ट्रिक वर्क नहीं कर रही, तो इसके बाद आपको क्या करना है, बाहर निकल जाना है, मतलब जो हमारा टारगेट जोन होता है वहाँ पर चला जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ से कुछ भी एक आइटम ले लेना है, आपका मन पड़े वो ले सकते हो आप कुछ भी आइटम। तो मैं यहाँ पे लेवल 3 का मज़र ले रहा हूँ, और फिर आपको यहाँ पे हमारे कॉम्बैट जोन में चले जाना है, और यहाँ से आपको ग्रेनेड ले लेना है, और ग्रेनेड नहीं भी लोगे एनिमी के हाथ से भी मर जाओगे तो कोई बात नहीं, एक ही बात है आपको किसी भी करके मरना है। तो यहाँ पर कोई भी एनिमी नहीं था इसलिए मैंने ग्रेनेड ले ली।
ग्रेनेड लेने के बाद आपको यहाँ पे इसको हाथ में ही फोड़ लेना है अपने, और आपको यहाँ पे एलिमिनेट हो जाना है, और फिर रिवाइव नाउ पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ से फिर बाहर निकल जाना है टारगेट जोन के लिए, और फिर आपको बाहर निकल जाना है और फिर से आपको सोशल जोन में आना है। यहाँ पर चलिए चलते हैं सोशल जोन में, और सोशल जोन में आने के बाद आपको यहाँ पर फिर से जो हमारे वो कुर्सियाँ दिखेगी उन पर, उनमें से किसी भी कुर्सी के ऊपर आपको, एक कुर्सी के ऊपर आपको यहाँ पर बैठ जाना है और अपने गेम को यहाँ पर रीकनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे रीकनेक्ट कर लेता हूँ अपने गेम को। तो आपको यहाँ पे अपने गेम को यहाँ पे रीकनेक्ट कर लेना, यानी कि वहाँ से कट करके आपको वापस से गेम को चालू कर लेना। तो मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो में, ताकि आप वीडियो को बोलना और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना बने। तो चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पे गेम को फिर से रीकनेक्ट। तो यहाँ पे हमारा गेम चल चुका है, यहाँ पे टैप टू बिगिन कर देते हैं हम। टैप टू बिगिन करने के बाद हमारा गेम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और अभी यहाँ पर रीकनेक्टिंग लिखा हुआ आ चुका है, इन्फॉर्मेशन रीकनेक्टिंग। और जैसे ही आपका गेम यहाँ पर रीकनेक्ट होगा, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत ही बढ़िया मैजिक, जिससे कि आप हवा में उड़ रहे हो, आप देख सकते हो। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो अपना कैरेक्टर जो इस तरीके से कुछ हवा में उड़ेगा, और ये झूले की तरह गोल गोल घूमता रहेगा, यानी हमारा जो कैरेक्टर है वो झूले में बैठा है, लेकिन हमको कुछ ग्लिच के कारण ऐसा दिखेगा कि ये हवा में उड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ थंबनेल के लिए, तो आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना। और आई होप कि आप लोग 100 लाइक्स का टारगेट जल्द ही पूरा करा दोगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।